ये काफी बड़ा पेट्रोल पंप है, बंद पड़ा हुआ है, इधर रात को काफी बंदे आके जो है ना सोते हैं। होटल वगैरह भी बना हुआ है, वॉशरूम है, शावर है, सब कुछ है। जब वजन ज्यादा होना तो एक तो गाड़ी आराम से चलानी चाहिए 60, 65, 70, और दूसरा 200, 250, 300 किलोमीटर करके ना गाड़ी को रोकना चाहिए इतना आगे टहरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिट फाट वेलकम है जी आप सबका आज के नए व्लॉग में। दोस्तों रात को ताइफ से आगे गुजर के तो मैं सो गया था इधर। ये जनाब गाड़ी खड़ी की है, पेट्रोल पंप बना हुआ है लेकिन बंद है काफ़ी अरसे से, तो लोड जनाब किया हुआ है दमाम का। इधर होटल है, इधर से सुबह सैरी करके तो फिर इधर ही सो गया था। तो इधर जनाब वाशरूम बने हुए हैं, वाशरूम में शावर भी लगा है। अभी जनाब नहा लें फिर निकलते हैं इधर से। जी दोस्तों अभी टाइम सुबह के 10 हो गए हैं जनाब, तो मैं अभी इधर से निकल रहा हूँ इस पेट्रोल पंप से, अतीफ गाँव में ताइफ से आगे। रात को 9 बजे इधर आया था तो अभी सुबह 10 बजे निकल रहा हूँ। पहली दफ़ा रास्ते में मैंने इतना लंबा स्टे किया, शावर भी ले लिया, काम ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। घर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरा दिल जो है ना घर जाने का नहीं था, मैंने सोचा चलो ईद पे एक बार ही जाएंगे। अभी जनाब अतीफ से निकल रहा हूँ, रियाज का सफ़र तकरीबन है 10-11 घंटे का। चलें अल्लाह खैर कर चलते हैं फिर। कहाँ से ये देखें अभी तक लोग सो रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा पेट्रोल पम्प है, बंद पड़ा हुआ है, इधर रात को काफ़ी बंदे आके जो है ना सोते हैं। होटल वगैरह भी बना हुआ है, वाशरूम है, शावर है, सब कुछ है। इन बेचारे ने गड्डी ने पता नहीं की हो गया। दोस्तों भी टाइम 12:15 हो गए हैं और मैं तकरीबन पहुंच गया हूँ उमियाद के करीब। उमियाद गाँव आता है जद्दा और रियाज के सेंटर में। ये देखें भैया आज ये भी सड़कें खाली पड़ी हुई हैं जद्दा रियाज की। जब जल्दी हो ना कभी कहीं पहुंचने की, जद्दा से रियाज पहुंचने की या रियाज से जद्दा पहुंचने की जल्दी हो, लोड टाइम से उतारना हो, तो रश इतना होता है कि जनाब गाड़ी अपनी लैन में क्या सेकेंड ट्रैक में भी नहीं कर सकते, सुरता भी होता है और बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी देखें आज जल्दी नहीं है ना, आज खुला टाइम है मेरे पास और बदन भी ज़्यादा, आज मैंने 70 रुपये गाड़ी चलानी है तो सारी सड़कें ही खाली पड़ी हुई हैं, कोई रश नहीं मिल रहा आज। मैं सुबह अतीफ से उठ के चला हूँ, कोई रश नहीं मिल रहा आज। दूसरी साइड पर भी अभी इतना रश नहीं है आज। जी जनाब अभी हमियात से आगे ये 2 पेट्रोल पम्प है, एक ये है और एक इस साइड पर है, आमने सामने है जनाब। इधर जनाब रुक रहा हूँ नमाज के लिए, टाइम 1:30 हो गए हैं। तो सुबह 10 बजे तकरीबन चला था मैं अतीफ से, 11, 12, 1, 1.5 यानी 3, 3.5 घंटे हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए। तो वज़न जब ज़्यादा होना भैया, अभी तो गर्मी भी आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो जब वज़न ज़्यादा होना तो एक तो गाड़ी आराम से चलानी चाहिए 60, 65, 70, और दूसरा 200, 250, 300 किलोमीटर करके ना गाड़ी को रोकना चाहिए इतना आगे टायरों को रेस्ट मिल जाए। तो अगर गर्म हुए हों तो फिर ठंडे हो जाते हैं, तो ज़रा बचत हो जाती है टायर वगैरह फटने से। वैसे भी चलो नमाज तो पढ़नी होती है ना, चलो ये 2 काम हो जाते हैं। फिर ये मस्जिद बनी हुई है जनाब, ये पेट्रोल पंप है, इधर भी खड़ी करके तो नमाज पढ़ के तो अल्लाह खैर करे आगे निकलते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों अभी टाइम शाम के 6 हो गए हैं और इधर जनाब 125 किलोमीटर रहता है अभी मेरा रियाज, तो तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं जनाब रोज़ा खुलने में।
आगे जाकर फिर होटल नहीं था मिलना 20 मिनट पे, इसलिए मैं इधर ही अभी रोक रहा हूँ, इधर से इफ्तारी करके तो फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ये पार्किंग बनी हुई है कच्ची सारी, फिर साथ में एक पंचरी है, एक मस्जिद है और एक जनाब होटल बना हुआ है इधर, बस और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी होटल है, अच्छी रोटी है इसकी, वो होटल बना हुआ छोटा सा। चलिए ये अल्लाह खैर करे, अभी इधर ही स्टे करते हैं, 20-25 मिनट आए हैं अभी इफ्तारी में, तो इफ्तारी करके तो फिर खाना खा के तो इधर से निकलेंगे इंशाल्लाह। रियाज तकरीबन रहेगा 125 किलोमीटर हमारा। जी दोस्तों अफ्तारी हो गई है जनाब और नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है और अभी निकल रहा हूँ रियाज की तरफ, टाइम 7 होने वाले हैं। तो अभी जनाब रियाज का तकरीबन सफ़र इधर से 1.5 घंटे का ही है, लेकिन जनाब मैंने रियाज क्रॉस करके नहीं सोना, आज रियाज से पहले सो जाना है। एक तो अभी नो एंट्री है उधर और दूसरी एक और बहुत बड़ी वजह है, वो मैं आपको उधर पहुँच के बताता हूँ। चलिए अल्लाह खैर कभी निकलते हैं इधर से, वजन मैंने यार काफ़ी डाला हुआ है और इधर से रास्ता भी थोड़ा सा ख़राब है जहाँ पे सड़क पे चढ़ना है। जब वज़न ज़्यादा होना तो फिर ये जो 280 होते हैं इनसे बड़े आराम से जनाब गाड़ी गुजारनी चाहिए, कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है। देखना आगे थोड़ा सा जो है ना ख़राब है रास्ता, तो इसलिए बड़े आराम से जाने जैसे गुजारनी पड़ेगी गाड़ी। जी दोस्तों अभी टाइम 8 हो गए हैं तकरीबन और मैं जनाब पहुंच गया हूँ ये रियाज से पहले एक जो है ना पेट्रोल पम्प है ग्राफ पार्किंग से कोई 20 किलोमीटर पहले। तो जनाब अभी मैं इधर ही रुक रहा हूँ, इंशाल्लाह इधर से सैरी करके फिर आगे जाऊँगा दिराब में, क्योंकि अभी अगर दिराब पार्किंग में जाऊँगा तो भाई ममनू लगा हुआ है और शुरता रात को 1 बजे छोड़े, 2 बजे छोड़े, 3 बजे छोड़े, वो उसका मिजाज है। वैसे तो नो एंट्री 1 बजे खुल जाती है लेकिन ये उसका मिजाज है भाई, वो 3 बजे छोड़े, 2 बजे छोड़े, तो सुबह सहरी जनाब करने में बहुत प्रॉब्लम होगी मुझे, इस वजह से मैं अभी इधर ही सोऊंगा। तो इधर से सुबह सहरी करके तो फिर आगे जाएंगे, क्योंकि अगर अभी इधर जाके सोऊंगा तो फिर उधर से सुबह सहरी नहीं मिलेगी मुझे, जनाब पार्किंग से निकलने में जो है ना दिन हो जाएगा, लिहाजा जनाब इधर ही सोते हैं, इधर से सुबह सहरी करके आराम से चले जाएँगे, अल्लाह खैर करे, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, समझे हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं क्योंकि अभी मैं सोने लगा हूँ इधर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखना अपना, बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम, जी अल्लाह हाफिज़।